मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ा मोड़ आया, मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया, जीवन में जब भी मुझे कुछ बड़ा करने का मौका मिला, उसके पीछे किसी न किसी बिहारी का और बिहार का हाथ था। मैं शैलेश जी से भी अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे साथ आपने दिन भर देखा, अनुरंजन जी लगातार शो को होस्ट कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी, हकीकत नगर, और उसी किताब का विमोचन आज रजत शर्मा जी के हाथों होगा। पब्लिशर शैलेश भारती जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, मंच पर कृपया पधारें। और साथ ही प्रभात झा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, आप भी कृपया मंच पर पधारें। आपके आने से ये पल और कीमती, बेशकीमती होगा हमारे लिए। अच्छा ठीक है। हकीकत नगर एक बहुत दिलचस्प, जब आप इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये किस तरह आपको बांधे रखने की क्षमता रखता है ये किताब। गुणानंद झा जी, और इस बुक के पब्लिशर शैलेश भारती जी, अनुरंजन झा जी, वरिष्ठ पत्रकार जी की बुक का विमोचन करते हुए तालियों के साथ अपार सफलताएं मिले हम आपके लिए कामना करते हैं। कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब मैं श्री रजत शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ, दो शब्द आपके सर इस कार्यक्रम के समापन में समा बांधने का काम करेंगे। और इस कार्यक्रम के समापन को दरअसल आप ही का इंतज़ार था, तो आप आए और बाहर आए, यही कहना चाहिए। श्री रजत शर्मा जी सर, दो शब्द आपके। मित्रों, सुबह से बहुत सारे भाषण आपने सुने होंगे, थक गए होंगे। मेरे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था आज, ये बिहार के लोगों का कार्यक्रम है, कल मैं मनोज तिवारी के साथ एक शो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बिहार में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में पढ़े, भोजपुरी फिल्मों के हीरो रहे, मुंबई में आपका घर है, दिल्ली से आपका क्या मतलब। और उस समय मेरे मन में सवाल आया था कि कल जब मैं इस कार्यक्रम में जाऊंगा, लोग पूछेंगे बिहार से आपका क्या मतलब। लेकिन मैं आज पहली बार आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा बिहार से क्या रिश्ता है। मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ा मोड़ आया, मेरे जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया, जीवन में जब भी मुझे कुछ बड़ा करने का मौका मिला, उसके पीछे किसी न किसी बिहारी का और बिहार का हाथ था। ग्यारहवीं क्लास तक जब पढ़ते थे
तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान था, सिर्फ किताबें पढ़ने के अलावा कुछ आता नहीं था। जब कॉलेज में आए, अब तो 50 साल हो गए, उस समय सार्वजनिक जीवन में आना है, पब्लिक लाइफ में आना है, पढ़ाई के अलावा कुछ करना है, ये संदेश मिला जब मैंने जयप्रकाश नारायण का भाषण सुना। पहली बार छात्र जीवन में पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर भी ध्यान देना है, इसका मौका मिला। तो मेरा जो ट्रांजिशन था एक स्टूडेंट से एक पब्लिक लाइफ में आने का, स्टूडेंट लीडर बनने का, वो जयप्रकाश जी की वजह से था, बिहार के आंदोलन की वजह से था, बिहार के जो मेरे दोस्त बने उनकी वजह से था। इसके बाद जब पढ़ाई पूरी कर ली, मैंने एमकॉम किया। इंतज़ार कर रहा था कि मैं रिज़ल्ट आ जाए और फिर अप्लाई करें किसी कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए। उस दौरान जो 2-3 महीने की छुट्टी थी, तो मेरे सारे जो दोस्त थे वो तो कहीं घूमने चले गए थे, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं थे। उस समय मेरी मुलाकात हुई बिहार के बहुत बड़े पत्रकार थे, जनार्दन ठाकुर। आनंद बाजार पत्रिका में काम करते थे, वो छोड़ दिया था, उन्होंने एक फीचर सिंडिकेट शुरू किया था जैक एंडरसन की लाइंस पर। और पहला पत्रकारिता का काम, जर्नलिज्म का काम, एक ट्रेनी रिसर्चर के तौर पर मुझे जनार्दन ठाकुर के साथ काम करने का मौका मिला। ये बिहार की दूसरी एंटी मेरी लाइफ में थी जिसने जीवन बदल दिया, जिसने मुझे पत्रकार बना दिया, जर्नलिस्ट बना दिया। करीब 6-7 महीने मैंने उनके साथ काम किया, और मैं कहूँगा कि जो पत्रकारिता के गुर होते हैं, इसकी जो गहराई होती है, ये मुझे जनार्दन ठाकुर से सीखने को मिली। तो ये मेरा दूसरा ट्रांजिशन था और दूसरा बिहार कनेक्शन था। इसके बाद जीवन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ 1993 में, 30 साल पहले, जब मैंने आपकी अदालत शुरू किया। इस बदलाव ने वाकई में जीवन बदल दिया। जब आपकी अदालत किया तो पहला शो जो मैंने रिकॉर्ड किया वो लालू यादव के साथ था। ये मेरा तीसरा बिहार कनेक्शन था। जब जब जीवन बदला उसमें बिहार ज़रूर मौजूद था। और आपको बताऊं कि वो 12 फरवरी 1993 की बात है, पहला कार्यक्रम लालू जी का नहीं रिकॉर्ड होना था, पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था खुशवंत सिंह जी का। खुशवंत जी ने कहा कि मैं सरदार हूँ, 12 बजे आऊँगा रिकॉर्डिंग के लिए। उनके लिए एक अंग्रेजी के राइटर थी, उनको जज बनाया गया था, और खुशवंत जी के लिए जो ऑडियंस थी वो हमने इकट्ठा की थी, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स, सेंट स्टीफन्स के लड़के, मिरांडा हाउस की लड़कियां, जो अंग्रेजी को समझते थे, खुशवंत जी को जानते थे। और उसके हिसाब से 12 बजे के हिसाब से तैयारियां हो रही थी, और लालू जी की रिकॉर्डिंग थी दोपहर में 4 बजे। सुबह 10 बजे लालू जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब, हमें शाम को पटने जाना है तो हम नहीं आ सकेंगे। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से, इतने महीनों की तैयारी हुई है, सेट लगा है, बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मेले तो ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसा कोई टीवी का प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो कहा कि हम अभी आ जाते हैं। तो मैंने कहा लालू जी, अभी तो सेट ही बन रहा है, अभी तो हमारे कैमरामैन भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे साथ 2 फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है, हम लेके आते हैं। अब ये समझाना मुश्किल था कि वो ये अलग कैमरा है, वो अलग कैमरा है, और फ़ोन रख दिया, मोबाइल फ़ोन थे नहीं उस ज़माने में,
और बाद में मैंने दोबारा फ़ोन किया तो पता चला कि लालू जी वहाँ से बिहार भवन से नोएडा के लिए निकल गए स्टूडियो के लिए। मैं भी जल्दी जल्दी किसर नोएडा पहुँचा स्टूडियो में, और जो कटघरा है उस पर अभी पॉलिश हो रहा था, कोई आदमी उसको ठोक रहा था। जो रात भर जिन्होंने लाइटिंग की थी, जो कैमरामैन थे, वो वहीं अखबार बिछा के सो रहे थे फर्श पे। उनको सबको उठाया, मैंने कहा भाई वो हमारे पहले गेस्ट अभी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमने 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का टाइम रिहर्सल के लिए रखा था। मैंने कहा लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो तो अभी आ रहे हैं। और 10:30 बजे तक तो लालू जी पहुँच गए, तो मैं टाइम पास करने के लिए उनको दिखाने लगा, देखिए ये स्टूडियो है, ये कैमरा है, ये है। तो उन्होंने कहा टहला रहे हैं हमें, शुरू करिए ना। तो किसी तरह से लोगों को तैयार करके शुरू किया। इतनी देर में लालू जी वो स्टूडियो में चलते चलते उसकी छत पे पहुंच गए, और सामने एक, उस समय ये नोएडा के जो फिल्म सिटी था बंद रहा था, तो उसमें मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा मुख्यमंत्री जी, वो तो बहुत नतमस्तक हो गए, मधुबनी के लोग थे। तो लालू जी ने कहा आवा आवा, सबको बुला लिया, मुझे कहा इनको ऑडियंस में बिठाइए। तो अब वो मजदूर नंगे बदन ऊपर से मिट्टी में सने हुए थे, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स थे जो खुशवंत जी के लिए आए थे, जो टाई वाई लगा के आए थे। तो ऐसा मिक्स ऑडियंस में हुआ। खैर किसी तरह से हमने शुरू किया। तो मैं पहला सवाल पूछूं, इससे पहले ही एक सज्जन आए, उन्होंने कहा अरे भाई साहब नारियल तो फोड़ा नहीं। तो नारियल भी उन्होंने लालू जी के हाथ में दिया, और लालू जी ने वो नारियल सेंटर में बिल्कुल जो सेट बना हुआ था उसमें फोड़ा, तो चारों तरफ वो बिखर गए। तो डायरेक्टर ने कहा सर मैं शॉट नहीं दे सकता, इसमें पैच आएंगे। तो उसको पहले नारियल हटाया, फिर वो ड्रायर लेके उसके जो पैच थे पानी के जो थे उसको हटाया इतनी देर में। और फिर लालू जी बार बार कहे हमें जाना है भाई, फिर शुरू किया। अब पता चला कि लालू जी के जज तो कुलदीप नैयर साहब थे, और कुलदीप नैयर साहब को तो दोपहर में आने के लिए कहा गया था। और जो खुशवंत जी की जज थी, मैंने उनसे कहा कि मैडम आप जज बन जाइए। शी सेड हु इज़ ही, आई डोंट नो हिम। तो मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा जी देखिए मुश्किल में है, अब आप प्रोग्राम शुरू करना है तो आप ही बन जाइए। तो वो जज की कुर्सी पर बैठी, फिर हमने शुरू किया। फिर मैंने सवाल पहला पूछा इतनी देर में, फिर दरवाज़ा खुला और कुलदीप नैयर साहब एंटर करिए। ओ भाई मुझे क्या करना है। तो मैं फिर उन जज साहिबा के पास गया, मैंने कहा जी वो ये कुलदीप नैयर साहब आ गए हैं। तो वो वाकई में जज अपने आप को समझने लगी, तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर यू प्लीज टेक योर प्लेस। तो मैंने कहा जी ये मेरा शो है, मैं इसका एंकर हूँ। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, वो चली गई। फिर नैयर साहब बैठे और फिर ये प्रोग्राम शुरू हुआ। अब उस प्रोग्राम का बहुत बड़ा क्रेडिट लालू जी को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने बात, वो जितनी हाजिर जवाबी उनकी है, जिस अंदाज में वो जवाब देते हैं, जिस तरह उन्होंने वहाँ बैठी ऑडियंस को हंसाया। किसी ने कहा कि देखिए साहब मेरे भाई साहब वहाँ बिहार के ऑडियंस में से पूछा कि कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनको 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। तो कहा कि देखिए बिहार में दादा के नाम पे, दादी के नाम पे, नाना के नान के नानी के नाम पे बना दिया कॉलेज, नो परमिशन, क्यों लिया एडमिशन, अपने भैया को कहिए कुछ और काम ढूंढ लें। उनके जवाब इतने इंटरेस्टिंग थे। एक जगह उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव के बारे में, प्राइम मिनिस्टर थे, कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, हमारे प्राइम मिनिस्टर थाली लेके दुनिया में घूमते हैं। ही रियली मेड दिस शो। लेकिन मैं आपको उसका क्लाइमैक्स बताता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, ऑडियंस एंजॉय किया, और हमें लगा वाकई में एक बड़ा शो हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। जब लालू जी चले गए, जो उस प्रोग्राम के डायरेक्टर थे वो मेरे पास आए कि बहुत अच्छा हुआ साहब, कमाल हो गया, ये आपने क्या कर दिया। थोड़ी सी एक रह गई चीज़, मैंने पूछा जी क्या हुआ। नहीं कोई, हो जाएगा। मैंने कहा जी हुआ क्या, ये तो आप मुझे बताएंगे, आपको ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ।
मैंने कहा फिर क्या प्रोग्राम हुआ? नहीं नहीं वो पैच करेंगे ना, पैच करेंगे। तो फिर जो जो सवाल मैंने पूछे थे, ये आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, वहाँ वापस स्टूडियो में जाके वो सारे सवाल वो सुन के जो ऑडिबल नहीं था वो मुझे बताते थे, फिर मैं उनको रिपीट करता था, वो सारे फिर रिकॉर्डिंग उनको बाद में हमने पैच किया, एडिट किया। तो ये मेरा बिहार से नाता है। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पिछले साल भी मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला था, उसके बाद ये स्केल तो आज बहुत आपने बढ़ा दिया। और इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे अनुरंजन झा की किताब आपको समर्पित करने को मौका मिला, और मैं पूरी किताब तो नहीं पढ़ पाया लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, इन्होंने यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में लिखा है, और जो कुछ मैंने पढ़ा मैं आपको कहूँगा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने 5 साल वहाँ बिताए हैं, एक एक कोने को, और पढ़ाई छोड़ के बाकी सारा काम वहाँ पर किया है। तो जो उन्होंने चित्रण किया वो बिल्कुल सही चित्रण किया है, ऐसा ही है दिल्ली विश्वविद्यालय, और इसके लिए मैं अनुरंजन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो आपने मिथिला अवार्ड्स का कार्यक्रम शुरू किया बिहार दिवस पर, आपने दिन भर बात की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने मुझे बुलाया, मुझे आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।